गोरखपुर फर्टिलाइजर परिसर में आयोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के हित में आज सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। भाजपा को किसानों का सच्चा हितैषी बताकर केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विरोधी पार्टियों पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि हम पर सवाल उठाने वाले अपने गृहबान में झांक कर देखें कि उन लोगों ने किसानों के लिए क्या किया। सीएम ने कहा कि 55 वर्षों में कांग्रेस ने जो नहीं किया उसे मोदी सरकार ने 55 महीनों में कर डाला। भाजपा ने किसानों से किए वादों को पूरा किया है। गोरखपुर फर्टिलाइजर परिसर में भाजपा किसान मोर्चा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाई जा रही दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइनों में से एक, ये 2,757 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन देश में एलपीजी की मांग का लगभग 25% परिवहन करेगी। 9,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनकर तैयार होने वाली इस एलपीजी पाइपलाइन को एलपीजी की सप्लाई कोयानी और बीना रिफाइनरी से और कांगड़ा पीपाबाव और दहेज के आनंद टर्मिनलों से होगी और ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 22 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स को एलपीजी की आपूर्ति करेगी। 8.5 मिलियन टन की सामान्य क्षमता वाली इस पाइपलाइन को बनाने में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और ये पाइपलाइन एलपीजी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में योगदान देगी। इस पाइपलाइन से एलपीजी का परिवहन सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 34 करोड़ की आबादी को फायदा पहुंचाने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे हैं कांगड़ा गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन का। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1,011 करोड़ रुपए की लागत से एक नई एम्स का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 750 बेड के हॉस्पिटल के साथ 18 सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह अस्पताल सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी उपकरणों, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब तथा 18 ऑपरेशन थिएटर की सुविधाओं से युक्त होगा। इसमें 45 मेडिकल ट्रॉमा सेंटर और आयुष केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस एम्स में 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज तथा 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। सत्र 2019-20 से 50 MBBS प्रथम वर्ष छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम चरण में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लैब जांच सुविधाओं सहित 10 OPD शुरू किए जा रहे हैं। आज एम्स गोरखपुर के OPD का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मंत्री जी आज की परियोजनाओं का लोकार्पण, पीजी मैरिट होस्टल के निर्माण का लोकार्पण, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन में से एक कांगड़ा से गोरखपुर तक लगभग 2,800 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाइपलाइन के निर्माण का शिलान्यास आप में और ये भी बताएंगे कि इस पर प्रकाशित। तो अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर्तव्य द्वारा इन सभी परियोजनाओं का बटन दबाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन किसान परिवारों के लिए
देवता है। इसके तहत दी जाने वाली सालाना 6,000 की सम्मान राशि को 2,000 की 3 किस्तों में सीधा लघु और सीमांत किसान परिवारों के खाते में भेजा जाएगा। लाभार्थी किसानों को हर 4 माह पर मिलने वाली ये राशि एक तरफ जहां फसल बोने के समय खेती की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, वहीं किसान समय पर इस सम्मान राशि का उपयोग कर खुद को महाजन के कर्ज से बचा पाएगा। इन योग्य किसान परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है और इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपए की पहली सम्मान राशि योग्य किसान परिवार के बैंक खाते में भेजी जा रही है। सम्मान जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, अब वो उसे मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नए भारत में किसान की किसानी का नया अभिमान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद श्री कन्नाद मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, गोरखपुर क्षेत्र के सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योग्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं भारत माता के महान सपूत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा गोरखनाथ जी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम इसलिए भी स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि प्रधानमंत्री जी जब जहां कहीं भी जाते हैं तो क्षेत्र को कुछ देने के लिए जाते हैं, कुछ लेकर के जाते हैं और वहां के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम सबका सीना और सिर गर्व से ऊंचा होता है जब देश और दुनिया के अंदर हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कृतित्व से भारत के 130 करोड़ जनता का सिर गर्व से ऊंचा उठता है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी करना चाहते हैं, इससे पहले चैंपियन ऑफ अर्थ के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया का सम्मान प्राप्त हुआ और अभी विगत सप्ताह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सियोल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की 130 करोड़ जनता के सुख सुविधा, उनकी सुरक्षा, उनकी समृद्धि के लिए आपके नेतृत्व में जो कार्य हुआ और विश्व शांति के लिए आपके द्वारा किए गए जो अहर्निश प्रयास हैं, भारत की 130 करोड़ की जनता आपका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज से 55 महीने पहले इस देश के अंदर जो सरकारें थी उन्होंने इस देश के अंदर किस प्रकार की अराजकता और किस प्रकार का विश्वास का माहौल पैदा किया हुआ था, ये किसी से नहीं छिपा है। इस देश के अंदर किस प्रकार का विश्वास,
घोटाले पे घोटालों की सरकार, इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्व और आतंकवाद और नक्सलवाद को महिमामंडित करने वाले तत्व इस देश पर बैठ करके अपने दल के हित के लिए देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं आज बाबा गोरक्षनाथ की इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार गोरखपुर में आपका आगमन हो रहा है और दूसरी बार भी ढेर सारी सौगात लेकर के आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लेकर के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आजादी के बाद के किसानों की सबसे बड़ी योजना का शुभारंभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर की धरती और उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है। 2,14,00,000 किसान इस योजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होने वाले हैं। आप अनुमान करिए, 2,14,00,000 किसान परिवार जिन किसानों को इस प्रदेश के अंदर आत्महत्या करने के लिए कभी मजबूर होना पड़ा था कांग्रेस सपा बसपा की अराजकता और भ्रष्टाचार के कारण, आज वे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुआ है। और उस योजना के लिए आपने उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है, वह कृतज्ञता पूर्वक उत्तर प्रदेश के 2,14,00,000 उन किसान परिवारों की ओर से जो वर्षों से पार जो रहे थे किसी ऐसी भागीरथ का जो उनका उद्धार कर सके, और उद्धार करने के लिए आज आपने गोरखपुर की धरती पर कदम रखा है, इसलिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर का वही फर्टिलाइजर का प्रांगण है, याद करिए 10 जून 1990 यहां का खाद कारखाना बंद हो गया था, किसानों को खाद मिलना बंद हो गया था, किसान तबाह था, यहां का किसान पलायन कर रहा था, यहां का नौजवान पलायन कर रहा था। और जुलाई 2016 में कोई हर व्यक्ति हार मान चुका था जिन्होंने 55 वर्षों तक देश तक शासन किया है, उन लोगों को किसानों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि गोरखपुर का खाद कानाना कारखाना बंद हुआ था उसके बाद भी देश के अंदर 15 वर्षों तक शासन करने का उन्हें पूरा शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन गोरखपुर के साथ साथ बरौनी तालचर ये 3-3 नए खाद कारखाने की नींव रखना और गोरखपुर खाद कारखाने की नींव जुलाई 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी थी और आज इसका 60% तक कार्य पूरा हो चुका है। 2020 में गोरखपुर का खाद कारखाना देश के अंदर देश के किसानों को उर्वरता के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा। मैं आभारी हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश है, आप सब जानते हैं आजादी के पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कमिश्नरी में 42 चीनी मिले यहां पर कार्य करती थी, कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में इनकी उपेक्षा हुई और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो भ्रष्ट और नापाक गठबंधन आज भ्रष्टाचारियों को, अराजकता को और माफिया गिरोह को प्रश्रय देने के लिए फिर से एक होकर के प्रदेश को तबाह करने की ओर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आप भूले नहीं होंगे जब यहां की 21 चीनी मिलों को इन्होंने औने पौने दाम पर बेच करके यहां के किसानों के पेट पर लात मारने का कार्य किया था और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए और इस देश के किसानों के लिए जितना किया है, आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाले लोगों की तुलना की जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 55 महीनों के कार्य की तुलना की जाए, 55 महीना 55 वर्षों में भारी पड़ेगा। और मैं इसलिए कह
केवल चीनी मिलें जो चलेंगी। पहली बार दुनिया और दुनिया के अंदर तमाम लोगों ने इस प्रकार की बंदिशें लगाई थी कि शुगर केन से आप सीधे इथेनॉल नहीं बनाएंगे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के अनुरोध को एक झटके में मंजूर देकर के कहा कि किसान के हित के लिए अगर कार्य होना है तो हम शुगर केन को इथेनॉल के रूप में बदलने की परमिशन दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक गोरखपुर मंडल में और एक बस्ती मंडल में जो दो नई चीनी मिल लग रही है, इन दोनों चीनी मिलें अगले महीने से प्रारंभ होंगी। इन दोनों चीनी मिलों में हम लोगों ने शुगर बनाने के साथ साथ शुगर केन से इथेनॉल की भी सुविधा की पूरी व्यवस्था दी है। यहां पर प्रतिदिन इन दोनों चीनी मिलों में पिपराइच और मुंडेरवा की दोनों चीनी मिलों में प्रतिदिन 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई होगी। जितनी चीनी की आवश्यकता होगी उतनी चीनी बनाएंगे और शेष गन्ने से इथेनॉल बना करके किसान के जीवन और उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश के 37 लाख गन्ना किसानों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस बात की अनुमति दी कि किसान का हित सर्वोपरि है और किसान के उस हित को सर्वोपरि लेते हुए आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिर भी उत्तर प्रदेश के प्रति आपका था लगाव, भगवान विश्वनाथ की पवित्र धरती को आपने अपने संसदीय क्षेत्र के रूप में चुना और संसदीय क्षेत्र के रूप में चुन करके काशी को उसकी पुरातन आभा को बनाए रखते हुए एक नवीन काशी के रूप में, नई काशी के रूप में काशी को जो पहचान दी है, यह हम सबके लिए गौरव और अभिनंदनीय है। पूरे देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी पहचान को छुपाने का कोई कारण नहीं, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सांसद हैं। काशीवासी कह सकता है, उत्तर प्रदेश का वासी इस बात को कह सकता है। और आपने 2016 में गोरखपुर में एम्स की आधारशिला भी रखी थी, आज आप उसकी ओपीडी का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए कि इतनी जल्दी कार्य के परिणाम, जो कहा सो किया। 2014 में जनवरी माह में जब लोकसभा चुनाव चल रहे, चुनाव के पूर्व गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आपने इसी गोरखपुर में जब इस बात को कहा था कि यहां पर इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान हो या यहां पर फर्टिलाइजर के कारखाने के बारे में, और आपने मात्र 2 वर्ष के अंदर उन कार्यों को करके दिखाया। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एम्स का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वर्ष एम्स में यहां प्रवेश की सुविधा आपकी अनुकंपा और आपकी कृपा से प्राप्त होगा। आज आपके द्वारा एम्स के बारे में घोषणाएं होंगी ही, साथ साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अकेले बीआईडी मेडिकल कॉलेज में, जिस बीआईडी मेडिकल कॉलेज में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा आजादी के बाद से लगातार यहां की जनता की जो अभिलाषा थी वह पूरी नहीं हो पाई, आपने आने के तत्काल बाद 8 नई सुपर स्पेशलिटी गोरखपुर बीआईडी मेडिकल कॉलेज को दिए और उनका आज लोकार्पण का कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, जिनमें न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, बेस्टोलॉजी सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, यानी ये 8 नई सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण गोरखपुर के बीआईडी मेडिकल कॉलेज में आपके द्वारा आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही रसोई गैस, आजादी के बाद 1947 से 2014 तक केवल 13 करोड़ लोगों को कनेक्शन मिलता है और 2014 से लेकर के 2019 के फरवरी माह तक अब तक 13 करोड़ नए परिवारों को नया रसोई गैस के कनेक्शन आपके द्वारा दिलाए गए। 6.5 करोड़ कनेक्शन इसमें निःशुल्क है। एक गरीब की झोपड़ी में भी रसोई गैस का कनेक्शन जल सकता है, रसोई गैस का चूल्हा जल सकता है। और
की इस योजना का शुभारंभ भी मई 2016 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्रांति की धरती बलिया से किया था और आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लोगों के विश्वास का प्रतीक बन गया है। कनेक्टिविटी गोरखपुर से एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, आज दिल्ली के लिए 3 हवाई जहाज गोरखपुर से दिल्ली के लिए चल रहे हैं, बेंगलोर के लिए चल रहा है, मुंबई और कलकत्ता के लिए चल रहा है, शीघ्र ही कुशीनगर का एयरपोर्ट प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले केवल 2 एयरपोर्ट चल रहे थे, आज के दिन पर उड़ान योजना में 6 एयरपोर्ट में वर्तमान में वायु सेवा प्रारंभ हुई है, 9 पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। कार्य कैसे होना चाहिए मोदी जी की सरकार ने वह देश के अंदर करके दिखाया है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज जब अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए, उनका आधारशिला रखने के लिए, उन कार्यक्रमों को एक नई गति देने के लिए, और सबसे बड़ी बात, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके लिए विगत 55-56 महीनों के दौरान कोई न कोई अभिनव योजना न चली हो। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के किसी भी तबके का कोई व्यक्ति रहा हो, प्रत्येक के जीवन में खुशहाली लाने का जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज यहां पर जो एक सबसे बड़ी किसानों की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की का शुभारंभ आपके द्वारा गोरखपुर से प्रारंभ हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश और इस देश के 12 करोड़ किसान परिवार सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत की धूम घर घर और गांव गांव मची हुई है। प्रत्येक गरीब इस बारे में कह सकता है, अकेले उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,14,00,000 परिवार किसान परिवार सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं। आपने इसके लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है, उत्तर प्रदेश के प्रति जो अपना अनुराग अपना प्यार एक बार पुनः आपने बरसाया है, इस क्रम में ही आज रसोई गैस किसी किल्लत को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कांडला से लेकर गोरखपुर तक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना है, उसकी आधारशिला भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर रखी गई है। मैं इसके लिए भी आपने गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को चुना है, आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार मां भारती के इस महान सपूत का, जिन्होंने देश के अंदर अब तक के कोई योजनाओं का लाभ तो दिया ही है लेकिन साथ ही साथ भारत का गौरव दुनिया के अंदर बढ़ाया है, सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश का एक पहला दौरा है। मैं इस अवसर पर भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए आपका कृतज्ञतापूर्वक हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें कि प्रधानमंत्री जी के कारण भारत का गौरव बढ़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।